जैसे पहले के टाइम में जो फादर्स होते थे वो जितना समय अपने बच्चों को देते थे जो भी उनका अपब्रिंगिंग में रोल होता था यू you नो know, एक फादर का अपार्ट फ्रॉम जस्ट अर्निंग द मनी भी बहुत सारा रोल बहुत रहता बहुत। है राइट रिप्रिमांडिंग बहुत सारी चीज़ें जो चीजें आप सिखाते हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो जो चीजें तो ये ट्रेडिशनली जो चलता आता था हम बहुत पुराना ना जाए गुरुकुल सिस्टम में ना जाए हम अपने फादर्स को देखें तो उनका जो रोल था एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में क्या वो रोल अभी बदल चुका है आज की जनरेशन के जो फादर जो है क्या वो ज्यादा इन्वॉल्व है लेस इन्वॉल्व है क्या है आपको क्या लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे दो तीन दो तीन होते थे कम से कम भाई बहन तो वहाँ पर ऐसा शायद लगता था कि रोल जो है वो शायद डिवाइड हो जाता है या उतना वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते या बिजी रहते हैं या उस टाइम पे

इतने स्टडीज आते हैं जिसमें कहते हैं फिजिकल एम्ब्रेस हग इन सबका सच में इमोशनल वेलबींग well में बहुत बड़ा हाथ होता है yes. तो ये चीज बेहतर के लिए बदली है